भारत और चाइना के बीच बॉर्डर की टेंशन सिर्फ एक टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बल्कि एक बड़ी ही पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेटजी का भी हिस्सा है। ये कश्मकश जो दुनिया को दो सबसे बड़े पॉपुलेशन और इकोनॉमी के देशों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाती है, ये कोई हिमालय की ऊंचाइयों तक सीमित नहीं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन टेंशन के पीछे छुपे हुए मोटिव की, स्ट्रेटजीज की, और आने वाले समय में दोनों कंट्रीज कहाँ तक जा सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि ये कॉन्फ्लिक्ट आखिर शुरू कहां से हुआ। भारत और चाइना के बीच 3488 यानी के 3488 किलोमीटर लंबी एक डिस्प्यूटेड बॉर्डर लाइन है जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी के LAC कहा जाता है। और इस LAC का असली मतलब शुरू होता है साल 1962 की भारत चाइना युद्ध के बाद। युद्ध खत्म होने के बाद दोनों देश एक बाउंड्री लाइन पर कभी भी एग्री नहीं कर पाए और तब से लेकर अब तक ये कॉन्फ्लिक्ट कभी पैसिव तो कभी एग्रेसिव हो ही जाता है, लेकिन ज्यादा इंटेंस स्टैंड ऑफ रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं, जैसे कि साल 2017 में डोकलाम और साल 2020 में गालवन वैली क्लैश। गालवन वैली में दोनों देशों के बीच एक वॉयलेंट फेस ऑफ हुआ था जिसमें दोनों तरफ से बहुत सारे सोल्जर्स की जान चली गई थी। ये क्लैश दुनिया को ये दिखाने के लिए काफी है कि भारत और चाइना के बीच टेंशन सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि ये एक सीरियस और अनसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है। तो आखिर LAC का इशू इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्यों? ये समझना जरूरी है कि LAC सिर्फ एक जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, इसके पीछे कई हिस्टोरिकल पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज और बहुत सारे फैक्टर्स मौजूद हैं। भारत चाइना को अक्सर अपनी बाउंड्री को वॉयलेट करने का दोष लगाता है और चाइना भी भारत पर यानी के इल्जाम लगाता रहता है कि LAC को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चलती रहती है दोनों देशों के बीच में। दोनों देशों के अलग अलग इंटरप्रिटेशन इनकी टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। भारत का कहना है कि चाइना ने अक्साई चीन पर इलीगल ऑक्यूपेशन कर रखा है जो कि भारत का हिस्सा है। वहीं पर चाइना का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश जिसे वो साउथ तिब्बत बुलाता है उसका हिस्सा है और बाउंड्री डिस्प्यूटेड सिर्फ टेरिटोरियल नहीं बल्कि ये दोनों देश एक सोवरेनिटी और नेशनल प्राइड से भी जुड़े हुए हैं। अब जब भी बॉर्डर्स पर टेंशन बढ़ते हैं सबसे पहले दोनों देशों की मिलिट्री मूवमेंट्स और स्ट्रेटजीज पर नजर पड़ती है। पिछले कुछ सालों में भारत और चाइना दोनों ने LAC के आसपास मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर दी है। रोड्स, ब्रिज, एयर स्ट्रिप्स, दोनों देशों की अपनी अपनी तैयारियां बहुत ही पीक पर हैं, जैसे कि कोई बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। ये सिर्फ डिफेंसिव स्टेप नहीं बल्कि इसमें ऑफेंसिव स्ट्रेटजीज का भी यूज किया गया है। चाइना ने अपने साइड पर बहुत तेजी से रेल, रोड और नेटवर्क बनाया है जिससे वो ट्रूप्स और इक्विपमेंट्स को LAC पर जल्दी से डिप्लॉय कर सके। वहीं पर भारत ने भी अपने रोड्स, टनल्स को डेवलप किया है ताकि मिलिट्री मूवमेंट्स को और भी ज्यादा इनहेंस किया जा सके। इसके अलावा भारत ने अपने माउंटेन स्ट्राइक ट्रूप्स को स्पेशली LAC पर डिप्लॉय किया है जो कि स्पेशली माउंटेन्स वॉरफेयर के लिए ट्रेंड हैं। भारत की मिलिट्री बिल्डअप से खुश होकर चाइना ने भी अपने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और मॉडर्न वेपन्स को तिब्बतन पेटू में डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। ये दोनों कंट्रीज अपने वेपन्स और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में लगे हैं, जैसे ड्रोन्स, सर्वेलियंस सिस्टम्स, मिसाइल्स, और दोनों तरफ से एक आर्म रेस शुरू हो चुकी है जिसमें आर्म रेस सिर्फ LAC तक सीमित नहीं, ये साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन में डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल रही है। जब हम भारत और चाइना के ऑनगोइंग टेंशन की बात करते हैं तो सिर्फ एक रीजन कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता बल्कि ये एक बड़ी जियोपॉलिटिकल चेस गेम का हिस्सा है। चाइना के एक्सपेंशन पॉलिसीज और बेल्ट रोड इनिशिएटिव यानी के BRI को इनकाउंटर करने के लिए भारत भी कई ग्लोबल अलायंस में शामिल हो रहा है। क्वाड अलायंस जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, US और भारत शामिल हैं। इस अलायंस को कई बार एक एंटी चाइना अलायंस के रूप में भी देखा जाता है। वहीं पर चाइना भी खामोश नहीं बैठा। चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पेयर्स यानी के एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है जिससे इंडियन ओशन के अंदर वो अपना होल्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार और मालदीव जैसे देशों के अंदर उसने स्ट्रेटजिक पोर्ट्स पर अपने बेसिस एस्टेब्लिश कर रखे हैं। चाइना भारत को अपने ही घर के समुद्र में एक तरह से साइड सर्कल करना चाह रहा है, लेकिन भारत भी पीछे नहीं है। इंडिया ने चाबहार पोर्ट यानी कि ईरान में डेवलप करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के एक्सेस बना लिए हैं जिसे वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC
अटैक को काउंटर कर सकता है। ये सिर्फ एक मिलिट्री टाइटल डिस्प्यूट नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिकल पावर गेम भी है। भारत और चाइना लगातार अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये इन्फ्लुएंस का गेम जो एशिया से लेकर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से लेकर यहाँ तक बढ़ चुका है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि टेंशन के इस लेवल तक पहुँच चुकी हैं, तो सवाल ये आता है कि दोनों देशों को असली ऑब्जेक्टिव आखिर क्या लेकर चलते हैं। चाइना भारत को एक रीजनल पावर से ज्यादा इम्पोर्टेंस देना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि भारत उसकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजीज को कोई बाधा डाले, इसलिए चाइना बॉर्डर्स टेंशन के एस्केलेट करने पर भारत को स्ट्रेटजी प्रेशर में रखना चाहता है, जिससे भारत की इंटरनल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिकल ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाए। भारत के लिए ये एक्सटेंशनल इशू है। भारत अपनी सॉवरेंटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। वो चाहता है कि चाइना उसके स्ट्रेटजिकल ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करे, इसलिए भारत भी अपनी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक पावर को यूज करके चाइना को हर तरह से पॉसिबल फ्रंट करने की कोशिश करता है। आने वाले समय में क्या हो सकता है, ये तो सबको ही पता है कि भारत और चाइना दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़ी वॉर में बदल सकता है? ऑनेस्टली दोनों देश ऐसा नहीं चाहेंगे। युद्ध का नुकसान हर तरफ होगा और आज एक ग्लोबल इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में दोनों ही देश बहुत बड़ी इकोनॉमी और पॉलिटिकल कॉस्ट उठानी पड़ेगी अगर ये युद्ध होता है। लेकिन इनका मतलब ये नहीं है कि टेंशन खत्म हो जाएगी। ये कॉन्फ्लिक्ट एक नो वॉर नो पीस सिचुएशंस में जा रहा है, जहां हर वक्त एक अनइजी काम रहेगा और दोनों देश हर वक्त एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करते रहेंगे। ये स्टैंड ऑफ और ये फेस ऑफ शायद आगे भी होते रहें और एक परमानेंट सॉल्यूशन तब तक नहीं निकल पाएगा जब तक दोनों देश अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज और एम्बिशंस को अलाइन नहीं करते। क्या भारत और चाइना शांतिपूर्ण डायलॉग के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा? दोस्तों, इसका जवाब देना मुश्किल है। बहुत सारे मिलिट्री डायलॉग्स और डिप्लोमेटिक टॉक्स हो चुकी हैं, लेकिन एक परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता। ये टेंशन आगे भी एशिया की जियोपॉलिटिक्स को एक शेप दे सकते हैं। इसका असर सिर्फ भारत और चाइना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो ये था आज का एनालिसिस इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन के ऊपर। अगर आपको भी इसकी छुपी हुई स्ट्रेटजीज के बारे में जानना पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लेकिन अगर आप भी भारत और चाइना के बीच में अगर युद्ध छिड़ गया तो क्या होगा, इसको जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा यही है। लेकिन वहीं पर अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत की सीक्रेट एजेंसी यानी कि रॉ अगर कितनी पावरफुल है और ये क्या वर्क कर सकती है, अगर इस चीज को जानना चाहते हैं तो आपके सामने वीडियो शो हो रही है, उस पे क्लिक करिए। मैं मिलूंगा वहीं पर।